जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानते हैं कि महिला सब में ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो जाता है। देखिए महिलाओं में ना ब्रेस्ट कैंसर होना एक आम बात होता है, लेकिन पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर होना एक आम बात होता है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि महिला सब में ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है। तो चलिए ध्यान समझिए, है क्या बाबू, है चेस्ट का इमेज है। अब इसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हजन बीच में जगह यह ना, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम चेस्ट मस्कुलर बोला जाता है। यानी जो चेस्ट में मस्कुलर होता है तो कौन होता है बीच वाला जगहिया होता है। अब उसके पीछे देखिए हाई गोल गोल बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिप्स बोलते हैं। यानी छाती में क्या होता है, हड्डी होता है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। तो कौन होता है, यह गोल का गोल का होता है। समझ में आ गया, आप समझिए। हाई जन दिखाई देना आपको गोल गोल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोब्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए ये दूध बनने वाला नली होता है। यानी यहीं जैसे क्या होता है, दूध का सरा होता है और उसी दूध के नली पे क्या हो जाता है, तो ट्यूमर हो जाता है। यानी यहाँ पे समझिए, है क्या बाबू, है गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है और इसी गोल का में देखिए बढ़न का गोल के निकल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर क्या होता है, गांठ की तरह होता है। तो कहाँ होता है, तो जो लोब्स का यानी जहाँ से दूध का सरा होता है उसी नली पे क्या हो जाता है, तो ट्यूमर हो जाता है। समझ में आ गया, अब इसके विषय में हम आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाई देना आपको लंबा निकला है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो निपिस बोला जाता है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जो माँ का निपिस होता है वही क्या करता है, बच्चा अपने मुख में डाल लेता है और दूध को क्या करता है, हजे जोर से खींचता है। तो किसको मुख में डालता है, तो इसे निपिस को मुख में डालता है। अब देखिए निपिस के पीछे ना, यानी जो निपिस होता है उसके पीछे का होता है थोड़ा सा काला सा भाग होता है, काला हो सकता है या भूरा हो सकता है। तो जो काला या भूरा सा भाग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एरियोला बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, हाँ जो लब्स होता है ना उसमें क्या निकला है, नली निकला है। यानी क्या होता है, पतला पतला सा नली होता है। कैसे होता है, देखिए ऐसे हो जाता है ना, इसी में से नली निकला होता है। तो यह जो है नलिया निकला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो डक्ट बोलते हैं। अब देखिए हाँ जितना जगह यह बचता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, यानी वसा बोला जाता है। समझ में आ गया, ये सब प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पे देखिए हाई जहाँ जहाँ जा कैसे मिल जाता है ना, हम क्या बोलते हैं, उसे हम मिल्क डक्ट बोलते हैं। यानी देखिए दूध का शुरुआत कहाँ से होता है, तो जो दिखाई देना आपको कोश का, इसी में से क्या होता है, दूध का सरा होता है और उसी नली पे क्या हो जाता है बाबू, तो ट्यूमर हो जाता है। महिलाओं में क्या हो जाता है, उसी नली में ट्यूमर हो जाता है। समझ में आ गया, और जो बच्चा अपने मुख में डालता है उसमें क्या बोलते हैं, तो निपिस बोला जाता है। और निपिस के पीछे थोड़ा सा क्या होता है, काला सा भूरा सा भाग होता है, उसमें क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। और जो नलिया निकला होता है उसमें क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। और जो अगल बगल जितना भाग बात है उसमें क्या बोलते हैं, फैट यानी वसा बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया, तो इससे पहले हम वीडियो बना दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर जो गठिया बनता है ये होता कैसे है। उस तो होता होगा ना कि शरीर में इससे थोड़ा गांठ बन जाता है, अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए समझिए, देखिए कोशिका जब जरूरत से ज़्यादा होने लगता है तब दिक्कत होने लगता है। यानी हमारे शरीर क्या है बाबू, तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर को क्या है, कोशिका का जरूरत है, लेकिन कितना है, हमको जितना शरीर स्वस्थ रख सकता है उतना ही कोशिका का जरूरत है। लेकिन अचानक से सबसे खूब डेर का कोशिका बनने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है, अगर ज़्यादा कोशिका बनने लगता ना तो पता चलता है आदमी के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। हालांकि हमारे ब्रेन में कोशिका का विभाजन हो भी नहीं करता है, लेकिन कभी कभी कोशिका जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। अब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। उसी तरह से जब स्तन में कोशिका बहुत ज़्यादा बनने लगता है, हद से ज़्यादा बनने लगता है, तब क्या हो जाता है, तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कहाँ हो जाता है, जब स्तन में कोशिका ससुरा बहुत दाब के बनने लगता है, खूब चाप के बनने लगता है, जितना चाहिए उतना बर्मा नहीं करता, उससे ज़्यादा बनने लगता है, क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए, हम आपको देखेंगे कि दो रोटी खा सकता है, चार रोटी, मान लीजिए आप चार रोटी खाते हो, हम ले जाएंगे जबरदस्ती आपको आठ रोटी खिलाएंगे। जैसे ही आठ रोटी खिलाएंगे ना, हो सकता है आपका तबीयत बिगड़ भी सकता है, उल्टी भी हो सकता है। हम जरूरत से ज़्यादा खाएंगे तो तबीयत क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसी तरह से जब कोशिका जितना बनाना चाहिए उससे ज़्यादा बनने लगता है तो कोई ना कोई दिक्कत कर देता है। तो महिलाओं में क्या होता है, तो चेस्ट में बहुत ज़्यादा कोशिका बनने लगता है, इसलिए होता है ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। समझ में आ गया, क्या होता है, कोशिका जरूरत से ज्यादा होने लगता है। अब समझिए इस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, बढ़ना है। इस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो चेस्ट का उभार करता है। निपिल काला किसके कारण होता है, तो इस्ट्रोजन के कारण होता है। अभी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा ना तो वो क्या हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया, अब देखिए होता क्या है, दूध नहीं पिलाने से अब कितना महिला सबको देखिएगा उसका फैशनवा भागल जाता है, वो दूधवा नहीं पिलाना चाहती है, ले जाओ इसके पापा के पास, इस ससुर उसके पापा का पिलाएगा, भैया दूध पिला सकता है, नहीं पिला सकता है। तो कितना महिला का फैशन हो भागल जाता है, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। तो जब दूध नहीं पिलाती है तो उस महिला को भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है।
समझ में आ गया। अब देखिए उस कैंसर में होता क्या है, तो अस्तन में गांठ हो जाता है। देखिए बाबू क्या हो गया, अस्तन में गांठ हो जाता है। और ये गांठ कहाँ होता है, तो दूध बनने वाली नली में, यानी क्या होता है, यहीं से दूध का निर्माण होता है, यहीं से दूध बनता है। और उसी के ऊपर क्या हो जाता है, तो जो गांठ बन जाता है उसमें क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। यानी अस्तन में क्या होता है, गांठ बन जाता है। और वो गांठ कहाँ बनता है, तो जहाँ से दूध निकलता है, यानी दूध बनने वाली नली क्या होता है, तो गांठ पर जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हम कैसे पता लगाएंगे, यानी कौन चीज़ पता लगाने वाला होना चाहिए ना, कि कैसे पता लगाएंगे कि क्या हुआ है, तो देखिए अगर ब्रेस्ट कैंसर का जांच करवाइएगा ना, तो किस चीज़ से किया जाता है, देखिए मैग्नोग्राफी एक्सरे किया जाता है। यानी जो मैग्नोग्राफी एक्सरे होता है, आप एक्सरे करवाइएगा तो आपको पता चल जाता है कि भैया ये कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, उसमें क्या होता है, पता चल जाता है। समझ में आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है, तो मैग्नोग्राफी एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें पता चल जाता है कि महिला के अस्तन में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कोनो महिला करवाइबा नहीं करती है, तब कैसे पता लगेगा, देखिए जब महिला खुद से अपने अस्तन पे हाथ रख के वो गांठ को पकड़ सकती है, यानी क्या होता है, तो गांठ बन जाता है। तो जब महिला खुद से अपने अस्तन पे हाथ रख के उस गांठ को पकड़ सकती है ना, तब भी पता चल सकता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। लेकिन वो पता लगने में बहुत दिन बीत जाएगा, कितना दिन लग सकता है, देखिए ये 2 साल से लेके 5 साल तक लग सकता है, कितना, 5 साल तक, यानी 2 साल से लेके 5 साल तक लग सकता है। कब लग सकता है, अगर एक्सरे नहीं हुआ ना, तो खुद से महिला जब अपने गांठ को पकड़ सकती है, तो टाइम बीत चुका होगा, कितना, 2 साल से लेके 5 साल तक जब हो जाता है, तब जाके वो पकड़ाता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि खतरा किसको किसको होता है, अगर सबको तो होता नहीं है, तो कहें सबको नहीं होता है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए पीरियड का सही रूप से न आना, यानी महिलाओं को क्या आता है बहू, तो पीरियड आता है। अब मान लीजिए अगर पीरियड सही टाइम से आएगा तब तो ठीक है, लेकिन सही टाइम से नहीं जाएगा ना, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। चलिए समझिए, मान लीजिए कोई लड़की है, उसको पीरियड कब आता है, जैसे मान लीजिए अगर पहला महीना में उसको पीरियड कब आ गया, 15 तारीख, तो पीरियड आता है, क्या गया, पीरियड है। मान लीजिए कोनो लड़की है, पहला महीना में चाहे मई जून जुलाई कोनो महीना, मान लीजिए अगर पहला महीना में चाहे दूसरा महीना में चाहे चौथा महीना में अगर उस लड़की का पीरियड 15 तारीख को आ गया, लेकिन जैसे दूसरा महीना शुरू हो जाएगा ना, तो वो पीरियड इसी के आसपास होना चाहिए, चाहे वो 14 को हो सकता है चाहे 16 को हो सकता है। लेकिन जिस लड़की में पीरियड मान लीजिए 10 तारीख को आ गया, 10 तारीख को आ गया और इधर 20 तारीख को आ गया, तो भैया 5 दिन का गैप हो गया, ज़्यादा दिन हो गया ना, तो देखिए जब आस पास आएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर पीरियड कम बेसी हो जाएगा 5-6 दिन का जब गैप हो जाता है ना, उस लड़की को भी क्या हो सकता है, तो ब्रेस्ट कैंसर खतरा ज़्यादा हो जाता है। यानी पीरियड का सही रूप से न आना, अगर सही रूप से नहीं जाएगा, इस तरह से ज़्यादा गैप करके आएगा, उस लड़की को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए, देखिए 12 साल से लेकर 14 साल की अगर पहली लड़की का पीरियड आता है ना, तब भी उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो जाता है। तो पीरियड कब आना चाहिए, या तो 12 साल या तो 14 साल, यानी इसी के बीच में अगर पीरियड आएगा तब समझिए कि ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़की है, उसका पीरियड आ जाता है 10 साल में, क्या हो गया, 10 साल में अगर उसका पीरियड आ जाता ना, तो उस लड़की के लिए दिक्कत हो जाता है, पीरियड का टाइम क्या होता है, तो 12 या 14 साल के पहले नहीं आना चाहिए। लेकिन 10 साल में आ गया, तो उस लड़की को भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला होता है रेडिएशन का खतरा, यानी जो मोबाइल से क्या निकलता है वो रेडिएशन निकलता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कैसे होता है, देखिए एक बार हम व्हाट्सएप पे देखे थे, एक लड़का था, वो मोबाइल को अपने पास रखा था, और जैसे मोबाइल उसका फटना, कपड़ा उसका एकदम फट गया, तो लोग कह रहे थे कि मोबाइल थोड़ा दूर पर रखिए, तो क्या होता है, उसमें बहुत तेज से रेडिएशन आता है। देखिए जितने भी बुजुर्ग महिला है वो सब क्या करती हैं, तो जैसे मोबाइल लेगी ना, अपने चेस्ट के पास रख देती हैं, तो उससे क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। और जैसे रेडिएशन निकलता है, तो जो महिला अपने चेस्ट के पास मोबाइल को ज़्यादा यूज करती है ना, रखती है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन अब तो जमाना बदल गया, अब देखिएगा रोड पर कोई महिला जाएगी ना, एकदम बढ़िया से एकदम सफर के जाएगी, एकदम कान में बैग टांग के जाएगी, और उसका जो छोटा का बच्चा रहेगा वो बेचारा 1 किलोमीटर दूरी पे एकदम पोटा पहुंचेगा, अम्मा मम्मी वो ना दूर रहेगी, जल्दी आ
चल नहीं पाता ही, तो क्या करती है एकदम फैशन इसका बिगड़ता है, एकदम चलती है बच्चा बेचारा उतना दूर जाता है। तो देखिएगा जब शादी ब्याह में जाएगी ना तो एक हाथ में क्या करेगी अपना पर्स टांग लेगी, एक हाथ में मोबाइल टांग लेगी, और जो साड़ी उड़ी रहेगा एकदम पूरा लसरा इधर चलेगा, तो धई के हाई सोच जाएगा हाई गिर रहा है, तब तक मोबाइल से वीडियो बनाएगी, तब तक जब कुछ नहीं कर पाएगी तो सर ये उठा के चलेगी एकदम घिस रही बना करे। तो क्या हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा फैशन भी सब करते हैं, तो लड़का पिछुआ रह जाता है, एक हाथ से आई सीधे एकदम गिर रहा है, पर्स सोच जाएगी, तब तक मोबाइल सोच जाएगी। तो आजकल का ज़माना थोड़ा बदल गया, आजकल की जो महिला होती हैं वो अपने चेस्ट के पास मोबाइल क्यों नहीं रखती हैं, भले हाथ में लेके चार चार घंटा चलेगी उसे कितनों भीड़ रहेगा लेकिन क्या होती है चेस्ट के पास नहीं रखते हैं। लेकिन जो महिला चेस्ट के पास अपना मोबाइल को रखते हैं ना तो रेडिएशन की वजह से क्या होता है तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ होता है। देखिए जहाँ दूध का नली होता है तो दूध के नली पर क्या होता है तो एक ट्यूमर हो जाता है, यानी गोल का क्या होता है गांठ हो जाता है, और किसे जाँच करवाया जाता है तो मैमोग्राफी एक्सरे से जाँच करवाया जाता है। अगर नहीं जाँच करवाइएगा ना तो 2 साल 5 साल में वो पकड़ाने लगेगा, तब पता चल जाता है कि हमको क्या हो गया ब्रेस्ट कैंसर हो गया। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।